चलिए अब रुख करते हैं जयपुर में आमेर का, जहां लालवास गांव में सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स से 83 बटालियन का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर 13वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 83 बटालियन के कमांडेंट प्रवीण कुमार सिंह ने बटालियन शहीद स्मारक पर देश सुरक्षा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और बटालियन क्वार्टर गार्ड पर सेरेमोनियल गार्ड से सलामी ली। इस मौके पर झारखंड और छत्तीसगढ़ जयपुर के युवाओं समेत कुल 250 प्रतिभागियों को रैपिड एक्शन फोर्स कैंप का भ्रमण करवाया। इसके दौरान रैपिड एक्शन फोर्स में दंगा नियंत्रण ड्रिल का प्रदर्शन दिखाया गया। साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स के दंगा नियंत्रण इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेशल इक्विपमेंट की प्रदर्शनी भी लगाई गई। मैं बताना चाहूँगा 13वां नेशनल ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यहाँ पे करीबन 200 बच्चे छत्तीसगढ़ और झारखंड से हमारे पास में आए। इनका 5 दिवसीय प्रोग्राम है, उसमें आज का दिन हमारे साथ में था, आरएफ के साथ में। तो हम यहाँ पे उनको लाकर यहाँ पे उनको दिखाया कि आरएफ कैसे काम करती है और क्या अपॉर्चुनिटीज उनके पास में हैं आगे बढ़ने के लिए। तो जो मकसद है इस प्रोग्राम का कि युवाओं को हम सही दिशा दे सकें, तो उसका प्रयास यहाँ पे किया गया। उसी के यहाँ पर अभी कल्चरल प्रोग्राम भी हुआ, जिसमें कि हमारी तरफ से भी और बच्चों की तरफ से भी बहुत बढ़िया प्रस्तुतियाँ दी गई। इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि आज का दिन हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन बटालियन जो कि एक नॉर्मल यूनिट से आरएफ में कन्वर्ट हुई थी, तो आज एक तरह से हमारा रेजिंग डे है। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं नेहरू युवा केंद्र संगठन राजस्थान द्वारा भारत सरकार के ही गृह मंत्रालय के सौजन्य से 13वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 7 दिवसीय दिनांक 27 तारीख से ज्ञान विहार विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहा है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से खासकर जो नक्सलिस्ट इलाका माना गया है, वहाँ के जो आदिवासी युवा हैं, उनको देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करके इस प्रकार से वे देश को मुख्य धारा में अपने आप को जोड़े। और सरकार की जो विभिन्न लोक कल्याणकारी योजना है, भारत सरकार की राज्य सरकार की प्रयासित कार्यक्रम है, उनके बारे में उनको जानकारियाँ मिले, ताकि ये लोग अपने आप को एक जागरूकता के क्षेत्र में आगे आ सकें।